सामान्य लोकसभा चुनाव के लिए कार्मिकों के अंतिम दिन प्रशिक्षण में अल्मोड़ा के उदय शंकर नृत्य अकादमी में 6 विधानसभाओं के 144 माइक्रो ऑब्जर्वर सहित लगभग 300 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्मिकों को मतदान संबंधी जानकारी देते हुए माइक्रो ऑब्जर्वर को उनके उत्तरदायित्व और निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान करने के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दी गई। साथ ही कार्मिकों को PDMS ऐप के बारे में बताया गया, किस प्रकार PDMS ऐप में हर 2 घंटे में मतदान संबंधी जानकारी दी जाएगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 में लगातार प्रशिक्षण जारी किए गए हैं, उसी क्रम में जो है आज यहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर जो हमारे हैं और उसके अलावा जो पोलिंग फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, पीठासीन अधिकारियों को एक प्रशिक्षण जो अंतिम प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। इनमें विभिन्न प्रकार की जो निर्वाचन से संबंधित जो माइक्रो ऑब्जर्वर के कार्य दायित्व हैं उनको किस प्रकार से अपने मतदान केंद्र में पूरा जो है वो, क्योंकि माइक्रो ऑब्जर्वर जो है भारत निर्वाचन आयोग के एक जो है प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और वो पूरा जो है उनका जो नेतृत्व होता है, जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर होते हैं उनके द्वारा उनको निर्देशित किया जाता है, उन्हीं के निर्देशों का अनुपालन करते हैं। तो निर्वाचन प्रक्रिया जो है मतदान केंद्र में किस प्रकार से पूरा उनको मॉनिटर करना होता है और अपनी रिपोर्ट जो है वो जनरल ऑब्जर्वर को उपलब्ध कराते हैं, तो उनको पूरी चीजें बताई जा रही है कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है, किन चीजों को आपको मॉनिटरिंग करनी है, कैसे आप अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो उनकी जानकारी यहाँ पर उनको प्रदान की गई है। और साथ ही जो पीठासीन अधिकारी हैं, पोलिंग फर्स्ट हैं, सेकंड हैं, थर्ड हैं, उनकी अंतिम ट्रेनिंग भी यहाँ पे है, उनको भी पूरी मतदान की प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको कराई जा रही है, ताकि वो अपने मतदान केंद्र में जाकर मतदान के दिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से कर सकें और निर्वाचन आयोग के जो भी दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों के अनुसार इस प्रक्रिया को संपन्न कराकर लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर